अभी तो भाई ज्यादा दूर ऊपर आए नहीं हम, आधा तो बाकी है। अरे रे 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 रे, वाह भाई जगह हो तो ऐसी हो भाई। है क्या राकेश यार, कहाँ पे? वो देखो वहाँ पे घर भाई, ये देखो ये है मंदिर, इसके अंदर से जाके आपको दिखाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम जाने वाले हैं सीकर की इतनी बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है हर्षवाड़ी। तो अभी अपन चलते हैं हर्षवाड़ी में, रेडी हो गया राकेश भी, रेडी हो गया। मुस्तफा को आलस आने लग गया कि यार भाई तुम जाके आ जाओ, मुझे बहुत आलस आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं और राकेश जाने वाले हैं और अभी जो है हम रेडी हो चुके हैं। अभी अपन चलते हैं हर्षवाड़ी और वहाँ पर बहुत ही शानदार वीडियो शूट करते हैं। मैंने मेरा बैग भी पैक कर लिया, तो अभी चलते हैं हर्षवाड़ी। फाइनली भाई अभी हम आ गए हैं यहाँ से शिवम सर्किल चौक बता रहे थे, और अभी यहाँ से पूछते हैं हम हर्षवाड़ी की गाड़ियाँ कहाँ पे लगती है पहले। वैसे तो उन भैया ने बताया कि वो सामने वो गाड़ी लग रही है वही हर्षवाड़ी की गाड़ी है, लेकिन एक बार हमें पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे गाड़ियाँ लगती है। तो अभी पहले इनसे पूछ लेते हैं इसी हर्षवाड़ी की गाड़ियाँ क्या। तो गाइज अभी जो जीप वाले अंकल है वो बोल रहे हैं कि भाई जब तक 13 सवारी नहीं होगी हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जाने वाले। तो भाई कुछ खा के नहीं आए थे, थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, अभी समोसे खाए हैं और नॉर्मली लगभग थोड़े जले भी लिए, गाड़ी के बैठ के अंदर खाएंगे। तो अभी चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, वो बोल रहे हैं 13 सवारी होगी तब चलेंगे। तो अब देखते हैं, दो तो हम ही हैं, सिर्फ 11 सवारी और चाहिए। तो अभी गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो भाई अंकल कह रहे हैं ये वाली जीप जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें ड्राइवर नहीं है, हम चला के ले जाए क्या? ले चले राकेश, ले चले भाई। अभी एक आंटी जी आई थी उनकी आर्गुमेंट की वजह से अभी जो है अंकल जी पूरी गाड़ी नहीं भरी फिर भी चल रहे हैं। बस भाई अब जल्दी से हर्षवाड़ी पहुंच जाए। तो भाई मैंने ले ली अभी एक पानी की बोतल, यहाँ पे एक होटल वाले भैया थे वो बोल रहे थे 3.5 किलोमीटर तक कोई भी एक पानी की सुविधा नहीं है, और फिर आपके 1 किलोमीटर तक आप जब ये सामने देखो 1 किलोमीटर तक जब हम चलेंगे तो उसके बाद हमें एक सीढ़ी वाला रास्ता मिलेगा, उससे अगर जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रोड हमें चलना है तो ये 10 किलोमीटर है पूरी। और भाई मेन कहाँ पे हमें जाना कहाँ है मुझे वो भी नहीं पता, कहाँ जाना है राकेश? हमें नहीं पता भाई, मज़ा आने वाला बहुत ही। देखो भाई दूर दूर तक तो पहाड़ है, वहाँ वाली फीलिंग आ रही है उत्तराखंड वाली। दीबा माता का मंदिर है उत्तराखंड में गाइज, सेम ऐसा ही है वहाँ पे भी। यहाँ से पूरा सिक्कर दिखने वाला है। तो मोड़ है यहाँ पे, ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इतनी दूर आ गए हम। कितनी दूर आ गए राकेश? हे भगवान हमें शक्ति दे ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ फोटो भी लेनी है भाई, फोटो याद दिला दिया मेरे को। देखो भाई अभी तो एक स्टेप पे आए हम, बहुत ऊपर जाना है भाई। अभी तो भाई ज़्यादा दूर ऊपर आए नहीं हम, आधा तो बाकी है। अभी से देखो नीचे कैसे दिख रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ दिख रही है आपको, वो टोटली 10 किलोमीटर है। और वो जो बंदर जाता दिख रहा है आपको वहाँ पे, ऊपर दिखाता हूँ जूम करके, मेरे को नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं मेरा? कहाँ है बंदर? हाँ वो कैमरे में नहीं दिख रहा, अपन को दिख रहा है पेड़ पे। हाँ ये पेड़ पे भी है, लेकिन वो जो बंदर बैठा है ना वहाँ से सीढ़ियाँ जाती है, वहाँ से हम ऊपर जाएंगे। वो देखो क्या बोलते हैं उसको, पवन चक्की, पवन चक्की इंग्लिश में वाइंड 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 व्हील, वहाँ पे जा रहे हैं भाई। राकेश भाई हमारे साथ गाइड बन के आए, चलो राकेश भाई चलो। ये बंदर जो है हमसे मोबाइल कैमरा ना छीन ले, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बंदर मामा होता है या क्या होता है? बंदर मामा ऐसा कुछ मत करना ब्रो, बंदरों के चंगुन से बच के आ गए। हेलो ब्रो, हाय ब्रो। भाई अभी भी आ सकता है कोई पता नहीं है उसका। ये रही भाई सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ 3 किलोमीटर तक है भाई ऊपर, विश्वास नहीं करो 3 किलोमीटर कितना होता है। वैसे इतना ऊपर नहीं है लेकिन घूम घूम के है, रास्ता जैसे बनता है वैसे ही बनाया गया है। भाई एक यूट्यूब है इसके पहाड़ी व्लॉग्स नाम से एक चैनल है, सल्यूट है उस बंदे को भाई, वो इतना दूर गया पहाड़ों में। हमारे पीछे वो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इतना दूर था उसके, मतलब देवी माता का मंदिर, दीवा माता का मंदिर सॉरी, वहाँ पर वो बंदा गया है पैदल पैदल। हमारे पास बाहर कुछ भी नहीं है, वो बंदा खाने के लिए और 10 लीटर पानी का कैन तक लेके गया वो,
और हमारे पास देखो पानी की बोतल है और कोई बार नहीं है, बैग में कुछ नहीं है, ट्राईपॉड है, मोबाइल स्टैंड है और कुछ नहीं है बस। तो भाई हमने ये सीढ़ियों वाला रास्ता चुना, वो देखो बाइक जा रही, वो वाला रास्ता नहीं चुना। हम चाहते थे लिफ्ट ले सकते थे लेकिन हमें कुछ एडवेंचर करना था तो हम इधर से आए। और ये रास्ता देखो भाई ऐसा है एकदम, ध्यान से पत्थर देखो भाई यहाँ पे। अभी तो ऊपर बहुत जाना है, 3 किलोमीटर, अभी हम आधे किलोमीटर भी नहीं आए, थकान होने लग गई क्योंकि पहली बार चढ़ रहे हैं ऐसा। लेकिन वो पहाड़ी वाला बंदा है ना, वो तो पहाड़ों में रहता है, उसकी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस थी। तो चले ब्रो, चलो राकेश ब्रो धीरे चलना, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मुझे पता है ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ लेकिन पहली बार में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ढंग से। भाई भाई इतने से एडवेंचर में हमारा ये हाल है तो सोचो भाई वहां तो क्या ही हाल होगा। रतनगढ़ में, रतनगढ़ ये राजस्थान वाला नहीं महाराष्ट्र वाले की बात कर रहा हूँ। वो देखो भाई वहां पे क्या है, वो बताना जरूर। अभी तो देखो भाई यहाँ पे आए हैं, फोटो की है रुक भाई। वो देखो वो वहीं पे जाने के राकेश, उतना ही है क्या भाई उससे ऊपर जाना है। और ये रास्ता मतलब इधर से पीछे से जाएगा उधर, सीधा तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। सीधा चढ़ जाएंगे राकेश? सीधा नहीं चढ़ा जाएगा भाई। भाई अभी 1 किलोमीटर भी नहीं आए हम, और अभी से हमने आधा पानी पी लिया, चिप्स खाएंगे अभी फिर ऊपर जाएंगे। वो देखो ये हमारा राकेश भाई है, देखो थक गए। कोई नहीं, हमको हारना नहीं है ब्रो, हमको ऊपर तक जाना है। आज ये ब्लॉग पूरा शूट करेंगे क्योंकि भाई मुझे तो अभी तक बहुत ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ी एरिया है, बहुत एडवेंचर एरिया वहाँ पे। तन वैसे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बोलूँगा भाई आपको, वो वहाँ पे वो दिख रहा है, वो है क्या राकेश यार? कहाँ पे? वो देख वो वहाँ पे घर सा ऊपर पहाड़ों में देख। वो पता नहीं यार क्या है, पता नहीं भाई क्या है वहाँ पे, जाने पे ही पता लगे। लेकिन इसमें एक ऐसा इस साइड भी है भाई, तो मुझे लग रहा है कोई कारखाने हो सकते हैं, इतनी बढ़िया जगह को भी ख़राब करने के लिए उन्हें ये जगह मिल गई है। तो कोई बात नहीं भाई, कितनी शानदार जगह है, हम वहाँ पे एक ऐसा उधर है जाने की ट्राई करेंगे टाइम बचेगा तो। भाई अभी टाइम हो रहा है 12:03, और मैं उन आंटी जी को थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने उन ड्राइवर के साथ बहस की और बोले भाई तू 30-50 रुपये मेरे से ज़्यादा ले लेना लेकिन जल्दी चल। उन्हें कोई लेट हो रहा था, उनके घर पे कोई मुहूर्त था तो वो जल्दी जा रहे थे। और इस एरिया में पर्टिकुलर कोई इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती, एक ही जीप आती है। तो अभी जो है उन्होंने बोला 12:30 तक चलेंगे, भीड़ है मतलब सवारी नहीं होगी तो अगला कैसे चलेगा, फिर वो उसके प्रॉफिट क्या होता है। तो फिर उसने बोला कि भाई चलेंगे, तो भाई उसी वक्त चली गई आंटी ने बहस की तो उसी वक्त चली। तो अभी हम यहाँ पे हैं इस जगह पे, पीछे देखो अगर वो अभी तक चलते तो सोचो हम कितना लेट यहाँ पे पहुँचते। तो अभी तो ऊपर चलते हैं भाई, ये देखो भाई, अरे रे 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 रे, ये लो भाई अच्छी सीढ़ियाँ आई है, 2-3 सिर्फ ये 3 सीढ़ियाँ अच्छी आई कि बंदा अगर थक गया तो इन 3 पे आराम करो, आगे फिर ऐसी है। भाई हमें अब लग रहा है कि हम सिर्फ यहीं, वो देखो वो जगह मैंने हम आपको इधर करने पड़ेगा यार, उल्टा हो रहा है भाई कैमरे में। तो वो जगह हम आपको कब से दिखा रहे हैं और हम यहीं पे चक्कर निकाल रहे हैं और अभी भी हमें यहाँ से उधर जाना है। और एक ही जगह है मतलब इसको ऐसे ऐसे बनाया गया है, वरना अगर सीधा बनाते तो एकदम 90 डिग्री का एंगल बना देते। वैसे ही अभी देखो कितना मतलब ये स्लोप देखो इसका यहाँ का भाई। तो भाई कोई बात नहीं, अभी अपन चलते हैं ऊपर। रोड वाला रास्ता हमने नहीं सुना भाई, 10 किलोमीटर था, शाम तक पहुँचते नहीं हम वहाँ पे। और फिर तो मतलब थोड़ा ऊपर था तो थकान होनी थी, हमने ये वाला रास्ता चुना, एडवेंचर हो रहा है, काफ़ी मज़े आ रहे हैं भाई। अभी ये बंदा गूगल कर रहा है कि मंदिर कहाँ, भाई पहाड़ों में कहाँ गूगल बताएगा यार, बता रहे मदन जी फ्रूट्स ये कहाँ, हर्षनाथ मंदिर। भाई ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो हमारी ये जो गाड़ी दिख रही है ना, हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, ये पता नहीं कैसे दिखा रहा है, ये रास्ता इतना लंबा है सच में, और हम पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं हम, देखो हमें बस इतना दूर ही जाना है।
इतना दूर ही जाना है भाई, हम तो अभी आधी दूर भी नहीं आए, अभी चलते हैं जल्दी से, टाइम कम खराब करते हैं, जल्दी ऊपर चलते हैं कहीं, मेरे को वापस अभी शाम को रात को गांव में जाना है, मेरी ट्रेन है 5:40 पे, तो चूरू पहुंचना है मेरे को 5:30 पे, तो किसी भी हाल में। ये देखो भाई वहां से आए, ये पत्थर है, ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूं भाई, यहां से नीचे गए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो। ये क्या हुआ, हर्ष गाँव नहीं, हर्ष गाँव उस साइड है, ये कौन सा गाँव पता नहीं, वो रहा गाइस मेन सिक्कर। ये देखो भाई कितनी शानदार जगह आई है, पीछे से आए बस, वो पंखा दिख रहा है उसके जस्ट थोड़ी सी आगे हम पहुंच गए, ये देखो पीछे से 3-3.5 किलोमीटर है भाई ये, ये तो भाई ऐसे बनती है बिजली, पूरा बताऊंगा आपको अभी, पढ़ाई वाले चैनल के लिए ये एक वीडियो बना लूँगा भाई। ये बीच में रास्ते में ये देखो श्री कपी ग्वाल गुफा हनुमान जी हर्षनाथ पर्वत, इधर बता रहा है ये यहाँ पे भाई पानी तो है लेकिन पीने का कोई सौदा नहीं लग रहा मेरे को, अरे ये पानी नहीं है शायद, वो रास्ता आते वक्त देख के आएंगे इधर, ठीक है गाइस, हनुमान जी गुफा आते वक्त देख के आएंगे इधर, अभी पहले ऊपर चलते हैं, पानी की भी जरूरत है अभी हमें, पानी पीछे एक भैया बोले बोले ये तो पी लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आ गया है, अभी वो पानी तो पी गया, थोड़ा सा बचा है अभी, इधर पानी मिला है नहीं, अब देखते हैं थोड़ा आगे और कितना है। वो भाई जगह हो तो ऐसी हो भाई अकेश आए बोल, आए बोल राकेश भी लाइक फोटो खिंच मेरी ये देखो भाई भाई फोटो तो खींच लेंगे, कुछ चीजें ऑन द स्पॉट एंजॉय करने के लिए होती है। ये देखो भाई वो मंदिर वहाँ है, वो देखो ले भाई चलो फोटो खींचता हूँ तेरी। भाई हम आए हैं शॉर्टेस्ट रास्ते से, ये जो पीछे रास्ता दिख रहा है रोड वाला, ये भाई 10 किलोमीटर दूर है, और हम इस शॉर्टकट वाले मतलब पहाड़ के बीच में से ऐसे आए हैं, तो ये जो है ये 10 किलोमीटर दूर है भाई, विश्वास नहीं हो रहा, पीछे देखो भाई, भाई मेरे को एक थंबनेल के लिए वहाँ जाके शॉट लेना है, तो पहले वहाँ से एक शॉट लेते हैं फिर इस रोड पे चलते हैं, पीछे मंदिर इधर है भाई, अभी मेरे जस्ट सामने मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई इतने ऊपर आ गए सामने बंदर, और भी आज ब्लॉगिंग करने का मजा आ रहा है भाई, बंदर नहीं है भाई वो इंसान है भाई बंदर है अच्छा वैसे एक दो है भाई, आज ब्लॉगिंग करने का मजा आ रहा है भाई, वहीं चूरू में डेली एक ही एक जगह घूम के क्या ब्लॉगिंग करे यार भाई वहाँ पे बंदे रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर भाई साहब क्या बुलेट खड़ी है भाई, भाई सबसे पहले अपनी वाइफ को मैं यहीं पे लेके आऊंगा, होगी तब भाई होगी तब सबसे पहले मैं लेके आऊंगा, रीजन मत पूछो बस लेके आऊंगा। ये देखो भाई इतनी ऊपर भाई, सामने देखो मंदिर है भाई, लिटरली इस जगह पे हम जो है गाड़ी वाले रास्ते पे आ सकते थे, कोई नहीं जा सकता, बुकिंग करते हैं गाड़ी कितना 1000 रुपये लेता और कुछ नहीं जाता, 10 किलोमीटर कितने लेता, लेकिन भाई यहाँ पे जो है पीछे देखो भाई मज़ा आ रहा है इतनी ऊपर इसी जगह पे, और खास बात यह है एडवेंचर मतलब पहाड़ों में चढ़ने में एक अलग ही मजा है, थके हैं थोड़े बहुत लेकिन अभी इतनी थकान हो नहीं रही है। इधर पहले उधर चले, मंदिर उधर है, मंदिर इधर से है क्या भाई लोग, मंदिर जो पीछे दिख रहा है उसका रास्ता इधर से है, यहाँ पे तो मतलब नॉर्मली पार्किंग के लिए लगा रखा है। मेरे में किसी को हम बांध रहा मेरे मोबाइल कॉस ले जाए तो मजा आता है ना जी, मेरे तो गेम ओवर हो जाए। नहीं ये देखिए गाइस राकेश के दोस्त यहाँ पे आराम से बैठे हैं गाइस, ये मेरा अगर मोबाइल छीन के ले जाए तो मैं ब्लॉगिंग ही छोड़ दूँ हेलो ब्रदर भाई मंदिर देखो सामने से भाई ब्रदर की ओर करने लड़ने का नहीं ब्रो, 10-10 रुपए सबको मिलेंगे। तो भाई राकेश उनको भड़का के आ गया भाई भाई वो भड़का के आया,
भाई ये देखो ये है मंदिर, इसके अंदर से जाके आपको दिखाएं, लेकिन पहले यहाँ पे बंदर बैठे हैं तो मोबाइल कैमरे डर लग रहा था, रुक जा। तो भाई यहाँ खोल देते हैं अपन अपने जूते, सॉक्स भी, सॉक्स पहन के रखते हैं अगर हैं, खोल दे, चलो सॉक्स भी खोल देते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई अभी जो है हम हर्ष भैरव जी महाराज के मंदिर पे आ गए हैं, और पहले यहाँ पे जो खाने बनता ग्रो अदर राकेश। तो भाई ये मंदिर है, अभी अपन चलते हैं ऊपर, पहले राकेश के तरफ है और भी नहीं मानती तो चल राकेश ऊपर चलें, पहले पहले ही जानो, पहले भी चल रहा हूँ, आ जाओ ऊपर इसमें क्या। तो भाई इस मंदिर देखो, वहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले इस वाले मंदिर में जाके आएंगे फिर वहाँ पे चलेंगे। ये राकेश जी की खास अपील है, आज रख ओम का पता नहीं, मैं उधर से ही मंदिर देख के आया था। आज फोटो खींचेगा वो देखो भाई ऊपर से। कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। इस बार उस रास्ते चलते हैं, रोड वाले से, रोड वाले से चल। उधर चल के देखो भाई साहब, देखो कितने साल पुराना मंदिर है लगभग, भाई साहब पता नहीं ये कितने साल पुराना मंदिर है, ये देखो भाई। भाई यहाँ की कलाकृति देखो भाई, देखने लायक चीज थी ये। भाई सिक्कर 8 महीने रह के चला गया, पता नहीं ऐसी भी जगह है क्या। भाई यहाँ मेरा घर बन जाए ना, मजा आ जाए यार यहाँ। याकूब क्या उसको वीडियो कॉल कर ले। ये देखो भाई धरोहर का संरक्षण करे आज्ञा से अधीक्षक, दीवारों पे चढ़ना सख्त मना है भाई यहाँ पे, कोई बात नहीं हम नहीं चढ़ने वाले। तो भाई अभी जो है पहले चलते हैं नीचे, एक और मंदिर लग रहा है मेरे को इधर, ये वाला तो हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, कुछ फोटोज भी लेनी है इसके। पहले भाई इधर हाथ धोना सख्त मना है, भाई यहाँ लिखा है हाथ धोना सख्त मना है, सब हाथ ही धो रहे हैं यहाँ सब लोग। खेंचा भाई जी खेंचा रुको। पल था नाम बता गुड़िया, क्या नाम है गुड़िया? नविया। नविया वाह,
कद आई से देखियो जदी आई मैं तो तन अभी देखियो छु अभी आई रुआना मत छोरिन भाई रुआना मतलब तेरी एक फोटो खींच पिन दे आ ये जोरदार फोटो तार दिखा दो ना दिखाऊंगे ऐसे जदी वोटर बल्ली हां चलो आ जा बुकी चलो बैठे ठपट जावा जा तो भाई यहाँ से देखिए पानी भी यहाँ पानी बरसात का हो सकता है वैसे यहाँ कहाँ से आएगा यहाँ बैठने की सुविधा अच्छा रखा जा मजा दी मजा ली यार स्टेबल कौन रह पा रहा है मस्त पाक्सो आपने क्यों बेड लगा रखी है रुक क्या भी रखे चलो तो आगे कोई नहीं रतन का डर उड़ जा दिल कटवा के रुक रहे वहां से गए वहां से वापस आ गए तो भाई पीछे से पूरा अंदर से नजर आई अंदर है बहुत मतलब गुफा टाइप में है भाई वो देखो कुत्ता कुत्ते के पास कुत्ते के कन्ने बकरी बांध रखी है बकरी थोड़ी दूर है फिर भी मतलब थोड़ा
कोई से की सटक की बात है बा खुली बैठी बा नेड़े को नहीं अभी है देखे आसी तो अब नहीं देख ठीक है कौन से तो दे दिए चला उस साइड वापस और किस से तो गाइस अभी मैं बताता हूँ इस हर्षनाथ भोलेनाथ मंदिर की जो हिस्ट्री है वो क्या हिस्ट्री है कभी क्या हुआ था तो ध्यान दीजिएगा। ये बात है लगभग 973 ईस्वी की और विक्रम संवत में बात करें तो 1030 विक्रम संवत की। मुगल्स कौन सा शासक को चौहान जो वंश था उसके विग्रह राज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, इस मंदिर को बनवाया था उस समय में। और बात ये की जाए कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो समुद्र तल से ऊंचाई है 914 मीटर और वैसे बात करें तो 3000 फीट हो जाती है और मैं अभी फ़िलहाल में 3000 फीट ऊपर बैठा हूँ। और दो नंबर बात की जाए कि इस मंदिर को इस पहाड़ी को हर्ष पहाड़ी क्यों कहा जाता है, हर्षनाथ मतलब भोलेनाथ जो है उनका नाम हर्षनाथ क्यों रखा गया तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये बात है लगभग उस टाइम की जब देव इंद्रदेव उनको उनके सहित अन्य देवताओं को जब त्रिपुर नामक राक्षस ने उनसे स्वर्गलोक पे जो बलपूर्वक उन्हें निकाल दिया गया था तब वो माना जाता है कि इस पहाड़ी पे आकर रहने लगे और ये भोलेनाथ जी भगवान को देखा नहीं गया तो उन्होंने उस त्रिपुर राक्षस का वध किया। और ये देख के यहाँ पे जो भी देवी देवता थे वो बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो गए, इसलिए इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया हर्ष पहाड़ी, हर्षगिरी पहाड़ी। और यहाँ के भोलेनाथ जी जो भगवान हैं उनका नाम दे दिया गया भोलेनाथ हर्षनाथ जी। तो ये इसकी बैकअप की हिस्ट्री है, बैकग्राउंड में ये इसलिए कहा जाता है। और ये माना जाता है यहाँ पे औरंगजेब ने आसपास में तोड़फोड़ भी की थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा आसपास मतलब पत्थर भी तोड़े हैं। तो ये जो है इसकी मतलब हिस्ट्री थी किस कारण से इसका नाम हर्ष पड़ा, हर्ष पहाड़ी क्यों इसे कहते हैं। तो अभी अपन चलते हैं वापस से और अभी अपन आए थे उस रास्ते से, अब जाएंगे रोड वाले रास्ते से। तो गाइस मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था मैं सीकर इतने टाइम यहाँ पे रह चुका हूँ और इतनी शानदार जगह है यहाँ पर। और मैं आपको देखो ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो भाई पीछे से इतना। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना वो वाला मेन मंदिर है, मतलब उस टाइम के मतलब मेरे को यार ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। पहले मतलब इतना पता करके नहीं आया कि मैं यहाँ पे इतना कुछ बढ़िया है। तो अभी जो है मैं आपको यहाँ की मतलब कलाकृति दिखाता हूँ, इतने मतलब बहुत टाइम पहले का यहाँ पे बनाया हुआ है, शानदार। देखते हैं यार उस टाइम पे इतना अच्छा बना सकते थे तो आज अगर वो लोग होते तो कितना उनके पास नॉलेज होता है। ये देखो भाई पीछे देखो, यहाँ पे देखो गाइस भैया पहले के थे उस जमाने के या अभी यहाँ पे लगवा रखे हैं। भाई मेरे को देख के लग रहा है पहले के टाइम के ही होंगे, है ना, पहले के क्यों अभी के तो ऐसे नहीं बनते भाई। भाई अभी जो है हमारे पीछे मंदिर है, पूरा मंदिर हम घूम चुके हैं। अभी जो है मैं थोड़ी व्लॉगिंग कम कर देता हूँ वरना व्लॉगिंग के लिए मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे बंदर बैठे हैं फ़ोन छीन के ले जा सकते हैं। एक बार मेरे साथ हादसा हो रखा है इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो भाई अभी देखो मेरे पीछे ये है पूरा सिक्कर और मैं खड़ा हूँ एकदम मतलब सबसे ऊपर चोटी पे, ठीक है। वो भी आप वहाँ देख रहे हो वो पीछे मंदिर है, वो भी मतलब इसके कंपेरिजन नीचे है, अभी मैं सबसे ऊँची चोटी पर बैठा हूँ। और ये देखो भाई, वो देखो भाई वो लोग तो मज़े कर रहे हैं एकदम। और ये देखो भाई साहब मज़ा आ रहा है मेरे को तो एकदम। पहाड़ों में भी घर भी है ना ये छोटे छोटे, एकदम ऐसे लग रहे हैं गाड़ियाँ होती है ना इतनी इतनी रिमोट वाली, उतने उतने लग रहे हैं, उतने भी नहीं लग रहे भाई, गाड़ी भी एक फिर भी बड़ी होती है रिमोट वाली। तो ये देखो और वो हमारे भाई फोटो खिंचा ली और अभी नॉर्मली बैठे हैं। तो यार अभी वापस चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ रोड वाले रास्ते चले अगर कोई लिफ्ट मिल जाए तो, क्योंकि वैसे बहुत लेट हो जाएगा मेरे को, आज गाँव भी जाना है वापस। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक करें। तो गाइज आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।